बसमिल्लर रहीम आई एम अमरीन नज़ीर फ्राम आरबर के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसिस स्टूडेंट्स स्टूडे आवर टॉपिक इज स्कोप ऑफ़ माइक्रोबायोलॉजी फॉर द क्लास ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपकी बुक के पेज नंबर एट पे आपकी बुक के पेज नंबर एट पे जो है वो टॉपिक है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आज हम उसको डिस्कस करेंगे तो उसका पॉइंट वन देखते हैं द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया रिकेट्सिया प्रोटोजोआ रिकट्सिया प्रोटोजोआफाईस्ट एंड वायरसेस ये हमने पहले इसकी जो है डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि माइक्रोबायलोजी वो साइंस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस करते हैं उनको उनकी स्टडी करते हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गनिज्म कौन से हो सकते हैं अलगी बैक्टीरिया रिकेट्सिया प्रोटोजोआ फंजाई यीस्ट एंड वायरसेस ये सब क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं और माइक्रोबाइल में हम जो है वो इनको स्टडी करते हैं बहुत सारी फील्ड से तो माइक्रोबाइल जो है वो इंटरकोनेक्टेड है तो माइक्रोबाइल में वायरस बैक्टीरिया को कम्प्लीटली जो है वो स्टडी किया जाता है इसका मेटाबॉलिज्म इसकी जेनेटिक इसकी फ़िजियोलॉजी स्ट्रक्चर और डिफरेंट मेडिसन्स के बारे में देखा जाता है कि इस मेडिसिन का इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया पर जो है वो क्या असर होता है सारी चीज़ें जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में आती हैं तो अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की इसके स्कोप में जो है वो फर्स्ट आप देखें कि नंबर टू पॉइंट पे विदाउट हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट कम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस लाइक लाइफ वुड बी अनसर्टेन इसमें जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस जो होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनको सिंपल्स में जो है वो सब्सटांसिस सम्ट्रा, में जो है वो कन्वर्ट करते हैं अब थर्ड की हम बात करते हैं इंटरेस्ट इन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट्स ह्यूमन एक्जिस्टेंस हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबाइलॉजी अच्छा एक और बात यहाँ पे बताते चलूँ कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका जो है वो मेडिसिन में जो बहुत ज़्यादा उसका जो है वो स्कोप है मेडिसिन की फील्ड में इसका और हेल्थ जो है उसकी फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है कभी मेडिसिन और एंटीबायोटिक इस वक्त तक जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहती जब तक इसमें माइक्रोबायोलॉजी का रोल ना हो क्योंकि कोई भी डिजीज़ होती है या तो बैक्टीरिया की मदद से होती है या फिर वायरस की वजह से होती है डिजीज़ जो भी कॉज होती है वो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से कॉज होती है तो मेडिसिन की फील्ड में जो है वो एंटीबायोटिक जो है इस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं, नहीं रहती सक्सेसफुल नहीं रहती जब तक इसमें माइक्रोबायोलॉजी का जो है वो रोल ना हो नेक्स्ट पॉइंट देखें फोर द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड द स्टोरिंग ऑफ मिल्क आर नेचुरल प्रोसेस लॉन्ग नोन टू मैन येट टू वाई दीज चेंजेस अकर्ड वर अन नोन अंटिल पासचर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी Showed a skeptical वर्ड दैट यीस्ट एंड bacteria कन्वर्ट शुगर टू अल्कोहल एंड एसिड्स अब फर्मेंटेशन का वर्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आप लोग पढ़ कर आए हैं फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप इसकी मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल देती हूँ जैसे कि दूध को दही में जो है वो कन्वर्ट करना वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस बैक्टेरिया हैं जो कि दूध को जो है वो दही में कन्वर्ट करते हैं इसी तरह फ्रूट और जूस की बात करते हैं कि फ़्रूट और जूस की भी फर्मेंटेशन होती है जिस तरह हम जिस तरह हम दूध को जो है वो जाग लगा के कन्वर्ट करते हैं दही में इसी तरह आ, फ्रूट और जूसेस जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस में अच्छा तो इसका जो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि इसका इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी रोल है फूड मे बी इसका काफ़ी रोल है फूड माइक्रोबायलोजी इसकी यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज एंटीबायोटिक्स इम्यूनो एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स एसिटिक एसिड लैक्टिक एसिड सट्रिक एसिड इंडस्ट्रीज में है जो है इसका काफ़ी रोल है और फूड प्रोडक्ट्स में भी इसका जो है वो काफ़ी रोल है माइक्रोबायोलॉजी का रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फूड स्पॉयलेज देयर प्रिवेंशन एंड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ वेरियस फ्रूड प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ चीज़ बटर फर्मेंटेड मिल्क जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दूध से दही की एग्जाम्पल दी मैंने बटर भी इससे बनता है चीज़ भी इसमें जो है वो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो काफ़ी रोल प्ले कर रही है अब हम फोर पॉइंट की बात कर रहे थे जिसमें उसने बताया कि नेचुरल प्रोसेस फर्मेंटेशन और फूड जूस क्या है सोरिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध का जो है वो खट्टा हो जाना यह है वो कह रहे हैं कि एक नेचुरल जो है प्रोसेस है लॉन्ग नोन टू मैन जो कि इंसान जानता है काफ़ी अर्सेट वाई दीज चेंजेस अकर्ड वर वर्ड अन नोन अनटिल पास्चर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी शोड अ स्केप्टिकल वर्ल्ड वर्ल्ड दैट यस्ट एंड बैक्टीरिया कन्वर्ट शुगर टू अल्कोहल एंड एसिड इसने बताया कि जो यस्ट और बैक्टीरिया हैं वो कन्वर्ट करते हैं शुगर को अल्कोहल में और एसिड्स में अब शुगर कहाँ से आ रही हैं शुगर जो वो फ्रूट जूस जो हमने ऊपर जो है वो डिस्कस किया किस में होती है फ्रूट और जूस में वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं अल्कोहल में एसिड्स में कौन कर रहे हैं बैक्टीरिया को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर फाइव पर देखें इनफेक्ट माइक्रो ऑर्गेजम्स हैज़ हैड अ डिसाइसिव रोल इन शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री द ग्रोथ ऑफ़ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी रोल है इन रिसेंट डिकेड्स हैज़ बीन राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मोर रिगरस रेगोलेशन मैनुफैक्चरिंग प्रोसीजर तो इसका जो है वो काफ़ी रोल है इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंटीबाओटिक्स आर प्रोड्यूस फ्राम माइक्रो ऑर्गेजम्स मैनी एंटीबायोटिक्स आर आइसोलेट फ्राम नेचुरल माइक्रो ऑर्गेजम्स बाई द प्रोसेस ऑफ फरमेंटेशन ये फरमेंटेशन की बात भी यहाँ पर आ गई यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दी हुई जैसे कि पेंसिलिन फ्राम पेंसिलिन स्पीशीज़ कहाँ से आई है पेंसीलियियम से आई है स्टेप्टोमाइसिन फ्राम स्टेप्टोमाइसिसज और टेट्रा साइकिलिन जो है फ्राम स्टेप्टोमाइसिस तो ये कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आगे हमारे पास पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है सेवन पॉइंट फॉर अ प्रोडक्ट क्राइटेरियन ऑफ क्वालिटी इज सिंपल देयर शुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्ट्स ओएवर तो स्टेराइल प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट होती हैं वो प्रोडक्ट होती हैं जो कि जरासीम से पाक होती हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेजम्स जो है वो नहीं होते द प्रोडक्ट शुड बी शुड देयर फॉर बी एबल टू पास अ टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी एंड नॉलेज ऑफ द प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच टेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबाइलोजी अब वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट होती हैं वो इंडस्ट्री में जो तैयार की जाती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो एक स्टेलिटी टेस्ट से जो है वो पास होती हैं जब तक वो स्टेलिटी टेस्ट से पास नहीं होती तब तक उनको जो है आगे मार्केट में जो है वो नहीं पहुँचाया जाता स्टेलिटी टेस्ट पास कर लेती हैं उनके अंदर ये मेक श्योर sure हो जाता है कि उसके अंदर कोई माइक्रो एगेनिज्म तो नहीं है उस प्रोडक्ट के अंदर तो फिर वो आगे उसको जो है वो मार्केट में जो है वो पास कर दिया जाता है स्टेलरिटी प्रोडक्ट मैंने आपको भी बताया कि वो प्रोडक्ट होती हैं जो जरासीम से पाक होती हैं जैसा कि यहाँ पे स्टेलटी प्रोडक्ट प्रिपेशन माइक्रोबायोलॉजी प्ले अ मेजर रोल इन प्रिपरेशन ऑफ स्टेलिटी प्रोडक्ट्स डीज वि रूम्स एसेप्टिक टेक्निक्स डिटेक्शन ऑफ माइक्रोब्स बाय सैम्पलिंग एंड स्टेलिटी टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्टीराइल प्रिपेषंस अब ये यह आपने यहाँ पर देखा स्टेलिटी के बारे में अब स्टर्लाइजेशन क्या होता है इसमें किस तरह से वो स्टाइल स्ट्रे, प्रोडक्ट बनाते हैं जरासीम से पाक बनाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू तो वो स्टर्लाइजेशन पहले देख लेते हैं क्या होती है एनी प्रोसेस या मेथड दैट एलिमिनेट रिमूव किल और डीएक्टिवेट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि बैक्टीरिया फंजाई वायरस को जो है रिमूव करे वो प्रोसेस या वो मैथड जो कि किल करे या डीएक्टिवेट करे बायोलॉजिकल uh, एजेंट्स को जो कि बैक्टीरिया वायरस फनजाई होते हैं तो इस मेथड को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन अब स्टरलाइजेशन के डिफरेंट जो, जो, जो है वो मेथड्स हैं जो जिनके थ्रू जो है वो माइक्रो ऑर्गेजम्स को जो है वो रिमूव किया जाता है जैसे कि मोस्ट हिस्टरलाइजेशन ड्राई स्टरलाइजेशन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन गैस स्टरलाइजेशन केमिकल स्टरलाइजेशन ये वो मैथड है जो कि माइक्रो ऑर्गेजम्स को जो है किल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्ट को स्टेराइल बनाने के लिए तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने माइक्रो बायोलॉजी का जो है वो स्कोप को डिस्कस किया जस्ट हमने आज एट पॉइंट को जो है वो डिस्कस किया है आठ पॉइंट फर्स्ट एट पॉइंट को जो है वो हमने डिस्कस किए हैं नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे आपने इसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना थैंक यू